हाय, अब हम लोग लास्ट वीडियो पे आ गए हैं। नाउ वी आर इन द लास्ट वीडियो ऑफ द एरिथमेटिक पार्ट ऑफ क्लास 9 सिलेबस ऑफ सीबीएसई। सो दिस इज चैप्टर का नाम था क्या? नंबर सिस्टम्स। और अभी हम लोग करेंगे लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट्स। ठीक है, सो इसमें क्या है कि ये जो ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एन, बी टू द पावर थिंग, ये जो ऊपर वाला जो चीज़ होता है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, दिस वन। ठीक है, ये इंडिसेस भी बोलते हैं। सो प्रैक्टिकली ए एंड बी को जो है वो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। यानी आप ख्याल रखना, पॉजिटिव रियल नंबर मतलब रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, जो भी है इस तरफ है, जीरो के इस तरफ। एंड एम एंड एन आर कोई भी आपका रैशनल नंबर है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। जो इंडिसेस वाला पार्ट है वो कोई भी है। ठीक है, सो देन अगर ऐसा सिनेरियो है तो फिर हमारे लिए ये है कि ए टू द पावर एम टू इंटू ए टू द पावर एन में, इसमें 10 लॉज हैं। आपको ये 10 लॉज हमेशा याद रखना है, और ये अलग से याद करने का कुछ नहीं है, मोर और लेस आपको समझ में आने लगेगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो होता रहेगा। और कुछ दिन, मतलब बेसिकली ऐसे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको 2 से 3 दिन ही देना चाहिए तो आपको आ जाएगा। बाद में ऑफकोर्स रिवाइज जब करोगे तो फिर और थोड़ा कर लेना। इसका मेन एप्लीकेशन आगे चल के आएगा, अलग अलग जगह पे आएगा, मैथमेटिक्स में आएगा, फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा। सो यू नो मैथमेटिक्स, एज आई इन द फर्स्ट सेकेंड वीडियो मैंने आपको बोला था, इट्स द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। सो ये पूरा दुनिया को जो क्रिएट कर किया गया है उसको समझने के लिए हम लोगों को मैथमेटिक्स का ज़रूरत है। तो अकॉर्डिंगली दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट दैट ऑपरेट्स अंडर सर्टन लॉज, स्पेसिफिकली फॉर रियल नंबर्स। तो ये आपको समझना है। ठीक है, सो पहला 10 लॉज में से पहला लॉ है, अगर ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, मतलब ए अगर सेम है और दोनों का अलग अलग पावर है एम एंड एन, तो उसका मतलब है आप दोनों को ऐड कर सकते हो, ए टू द पावर एम प्लस एन। ठीक है, सो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब मतलब 2 टू द पावर 5 हो गया। ठीक है, सिमिलरली ए टू द पावर एम बाई ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एम माइनस एन, मतलब फॉर एग्जाम्पल 3 टू द पावर 4 बाई 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टू द पावर 4 माइनस 2। समझ गए ना, इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। मतलब आप देखो, 3, 1, 2, 3, 4, 3 है यहाँ पे, यहाँ पे 2, 3 है, 2, 3 कट गए, कितने 3 बचे, 2 ही 3 बचे। तो वो हम इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ए टू द पावर एम टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एम एन, मान लो 5 स्क्वायर का क्यूब अगर होगा तो फिर ये क्या है, 5 टू द पावर 5 होगा। ठीक है, एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, नहीं सॉरी, 5 टू द पावर 6 होगा, 2 इंटू 3, सो 6 हो जाएगा। सो 5 स्क्वायर 3 बार है, सो 5 स्क्वायर 3 बार है मतलब क्या है, 5 इंटू 5 1 बार हो गया, इंटू 5 इंटू 5 1 बार हो गया, इंटू 5 इंटू 5 1 बार हो गया। तो अब कितना टोटल आया देखो, 6, सो इसी के लिए 2 इंटू 3 ये हो सकता है। ठीक है, सो ये हो गया। सी ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एन, बेस अलग है जब, तो एम इंटू दोनों अगर पावर सेम है पर बेस अलग है तो हम दोनों को प्रोडक्ट करके उसका ऊपर बेस कर सकते हैं। सिमिलरली ए बाई बी टू द पावर एम मतलब ए टू द पावर एम बाई बी टू द पावर एम, ए टू द पावर माइनस एन मतलब 1 बाई ए टू द पावर एन। एक्चुअली ये बहुत अच्छा चीज़ होता है, एक्स टू द पावर माइनस टू मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये बहुत काम का चीज़ होता है। कोई भी चीज़ का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। कोई भी चीज़ का अगर nth रूट है, ये आप समझ लो, अगर कोई भी चीज़ का nth रूट है तो वो अगर दैट अगर इक्वल्स टू बी है मतलब आप उसका इसको उस तरफ ले जा सकते हो तो ये ऊपर आ जाएगा। सो ए इक्वल्स टू बी टू द पावर एन बार, nth रूट ऑफ ए अगर बी है तो ए का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू बी टू द पावर एन है। ठीक है, ये एक सिस्टम है, ये यही इसका मतलब है एक्चुअली। तो
तो फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मान लो पी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो एक्स कितना है? अगर एक्स स्क्वायर पी है तो एक्स कितना है? ये रूट पी है, स्क्वायर रूट ऑफ पी है। तो अब समझ में आ रहा है ना, अगर स्क्वायर रूट ऑफ पी है तो ये एक्स इक्वल्स टू एक्स है, तो पी क्या होगा? एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग इज अबाउट। सिमिलरली nth रूट का मतलब है 1/n। सो एक्चुअली हम लोग रूट पी को अगर कैसे लिख सकते हैं, पी टू द पावर 1/2, ठीक है। एंड ये वाला भी आप देख लो, ए टू द पावर m बाई एन इक्वल्स टू ए टू द पावर m टू द पावर 1/n, या फिर ए टू द पावर 1/n टू द पावर m इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a का पावर m, या फिर nth रूट ऑफ a टू द पावर m, ठीक है। सो दीज आर द 10 रूट्स, 10 क्या बोले हम, लॉज और रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस, आप जैसे इस टर्म को यूज करोगे, ठीक है। नाउ यू कैन यूज इट। सो इतना ही मेन है, बट अब इसको हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स में करेंगे, कुछ कुछ चीज़ों का हम लोग सॉल्यूशंस बनाएंगे इसमें, ठीक है। सो लेट अस जस्ट दो पांच छह सॉल्व करके हम लोग इस वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों के लिए एक है सवाल, सिंप्लीफाई करना है 5 टू द पावर 1/3 बाई 5 टू द पावर 1/6। ए टू द पावर एम बाई ए टू द पावर एन, मतलब ए टू द पावर एम माइनस एन। सो 5 टू द पावर 1/3 माइनस 1/6 इक्वल्स टू 5 टू द पावर क्या होगा बोलो? 2 माइनस 1/6, सो 1/6, ठीक है। ये एकदम सिंपल था। फिर आप ये वाला करो, एक सिंप्लीफाई बोला है, एक्स वाई जेड अगर हमारे रियल नंबर्स हैं, एक्स इज अ रियल नंबर, सो ये वाला बहुत मज़ेदार है, 5th रूट ऑफ x टू द पावर 4 इंटू 4th रूट ऑफ x टू द पावर x क्यूब इंटू क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, 4x होगा, 1 2 3 4, राइट। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। सो अगर हम इसको करेंगे तो हम कैसे करेंगे, हम उल्टे तरह से करेंगे, ठीक है। सो x टू द पावर 1/2 हुआ, रेदर आप इधर से नहीं इधर से करो, इधर x लिखो, ये हो गया क्या 1/2, ये प्रोडक्ट है x इंटू रूट x, सो ये 2 प्लस 1/2 हो गया, 2 प्लस 1/2 हो गया, ठीक है। अब ये पूरे का क्यूब रूट है, तो फिर इसका 1/3 हुआ, राइट। बट 3 प्लस ये आ जाएगा, 3 प्लस ये हो गया, अब इसका 1/4 रूट हो गया, वन बाई फोर रूट हो गया, 1/4 रूट हो गया, और इसका 4 प्लस हो गया, और इसका 1/5 रूट हो गया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर, एकदम अंदर से शुरू करते हैं, 2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू कितना हुआ? 5/2, 5/2 इंटू 1/3 हो गया। सो इसका 3 के साथ एडिशन करना है, सो कितना हुआ बताओ? 5/6, 5/6, सो 3 प्लस 5/6 इक्वल्स टू 3 प्लस 5/6, 3 6 18 प्लस 5 23/6, सो दिस इज 23/6 टू द पावर 1/3, मतलब इंटू 1/3 इक्वल्स टू 23/18। सो यहाँ तक हो गया 23/18 प्लस 4, ठीक है, ये 4 आ गया यहाँ पे। सो दिस इज हाउ मच? 23 प्लस 4 इंटू 18, 4 इंटू 18 कितना होता है? 72, राइट। 18 4 40 प्लस 4 8 32, 72/18, सो दिस इज इक्वल्स टू
दिस इज इक्वल्स टू कितना होगा 72 75 95 95 बाय 18 प्लस अच्छा ये मेरा हो गया 95 बाय 18 इंटू 1 बाय 4 सॉरी प्लस नहीं इंटू 1 बाय 4 सो दिस इज इक्वल्स टू 95 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 4 4 एट जा 32 4 1 जा 4 सो दिस इज 72 हो गया इसके साथ नहीं हम लोगों ने कहीं गड़बड़ किया है इसका 18 निकाला था इंटू 3 प्लस 4 किया हमने प्लस 4 किया ना ठीक है इसका 4 कर दिया इसका 4 करने के बाद प्लस कुछ तो गड़बड़ है ही कुछ तो गड़बड़ है ही चलो इसको एक बार फिर से करते हैं उधर नहीं करते इधर करते हैं इस इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग उस तरफ छोटा जगह में ना गड़बड़ हो रहा है सो 2 प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू 5 बाई 2 इतना सा हुआ 5 बाई 2 के ऊपर पड़ेगा 1 बाई टू द पावर वन बाई थ्री मतलब इसको 1/3 होगा सो 5/6 होगा 5/6 प्लस 3 होगा 5/6 प्लस 3 इक्वल्स टू 23/6 होगा इंटू 4 होगा सो 23/24 होगा प्लस 4 होगा है ना प्लस 3 होगा तो 23/24 होगा 24 प्लस 4 होगा सो दिस इज इक्वल्स टू 23 प्लस 24 इंटू 4 कितना होता है 96 डिवाइडेड बाय 24 होगा उसका इंटू 5 हो जाएगा ये होगा आपका फाइनल नंबर सो एक्स टू दी पावर ये आएगा 96 119 डिवाइडेड बाय 4-5 कूड़ी 4-2 119/120 एंड आई थिंक वी आर करेक्ट यस 119/120 दिस इज द करेक्ट आंसर बट द थिंग इज दैट आप इसको कैसे करोगे आपको कर करके देखना पड़ेगा मैंने तो थोड़ा ये करके हड़बड़ करके कर दिया सो सी यू टू ट्राई दिस बाई योर सेल्फ ठीक है सो आप एक एक करके करो आप एक एक करके करोगे तो शायद ये वर्कआउट करें ठीक है आगे हम लोग एक और प्रॉब्लम करते हैं ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था मुझे चलो एक और लास्ट करते हैं एंड देन वी विल एंड दिस चैप्टर प्रूव दैट क्लीन कर लेते हैं बोल रहा है प्रूव दैट ए टू द पावर माइनस वन बाय ए टू द पावर माइनस वन प्लस बी टू द पावर माइनस वन प्लस ए टू द पावर माइनस वन बाय ए टू द पावर माइनस वन माइनस बी टू द पावर माइनस वन इज इक्वल्स टू टू बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ठीक है तो लेट्स स्टार्ट बहुत सिंपल सा तरीका है दिस इज 1 बाई ए बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी
plus 1 by a by 1 by a minus 1 by b, which is equals to, देखो, 1 by a by a plus b by a b plus 1 by a by b minus a by a b, ठीक है? अब a b को पढ़ लेते हैं, so 1 by a into a b by b plus a plus 1 by a into a b by b minus a, which is equals to b by b plus a plus b by b minus a, which is equals to b आपने बाहर ले लिया, b minus a plus b plus a divided by b square minus a square, मतलब b plus a into b minus a हो गया, which is equals to b into 2b divided by b square minus a square equals to 2b square by b square minus a square. So this is the simplest. मैं दो चार step jumps करता रहता हूँ, लेकिन आप भी करोगे तो आपको आते रहेगा. See, अगर आपको नहीं आता है, कहीं पे जाके गड़बड़ हो जा रहा है, तो आप मुझे contact कर सकते हो. My number is always given in all the videos in the YouTube. So आप करो problems को. जो भी मैंने problems identify किया है, ये सारे मैंने आर एस अग्रवाल से लिए हैं. सो द आर एस अग्रवाल फॉर क्लास 9. आई एम श्योर एन सी आर टी इज ऑल्सो वेरी गुड बुक. आप एन सी आर टी के सारे प्रॉब्लम्स डेफिनेटली करना, आर एस अग्रवाल के सारे प्रॉब्लम्स कर लो. ये दोनों अगर आप कर लोगे तो बस ट्रस्ट मी, देर इज नथिंग दैट यू नो यू कान डू. सो यू जस्ट डू देम एंड एट दिस स्टेज. आगे हम लोग जब 9th और 10th हम लोग इस फॉर्मेट में करेंगे, 11th 12th में मैं वो सारा चीज़ कवर करूँगा जो कि यू नो द बेस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी कवर करते हैं, जिस तरीके से पढ़ाते हैं. बिकॉज आई माई सेल्फ यू नो वंस वॉज अ स्टूडेंट ऑफ फिजी. सो आई रियली एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू दैट इंस्टीट्यूट. वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को अप्रोच किया था, आई वॉज अमेज्ड. सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू नो पढ़ाना वैसे चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि एकदम एक ही एस्पेक्ट से एक चीज़ को देखा जाए. हर प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए, अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए. सो दिस मोर ऑर लेस इज कम्प्लीटिंग द अरिथमेटिक पार्ट. आगे चल के बहुत अरिथमेटिक और आएगा, 10th में आएगा, 11th 12th में तो बहुत आएगा. सो मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको प्रैक्टिस करो. कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई 30 मार्क खान नहीं है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. बस आप करते रहो, आपको मजा आने लगेगा. यू नो देयर आर सर्टेन थिंग्स, और थोड़े से बड़े हो गए तो पता चलेगा कि यू नो पहले में वो करने में अच्छा नहीं लगता, बट द मोर यू डू, द मोर यू डू, वो करने में फिर अच्छा लगने लगता है, फिर बहुत अच्छा लगने लगता है. सो मैथमेटिक्स इज ऑल्सो लाइक दैट. सो कीप ऑन डूइंग दैट. एंड हम लोग अब अगले टॉपिक पे मिलेंगे, दैट इज अलजेब्रा. ठीक है? So all the best and keep working on all these topics, all these mathematics. Okay? Thank you so very much. See you in the next segment. Bye.